हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो रीडिंग मैं लेने जा रही हूँ वो है, क्या है आपके पर्सन के करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर के। तो अगर बात करूँ मैं यू वर्सेस द थर्ड पार्टी, तो अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अभी आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग में दो डेक्स मैं अलग अलग लेने वाली हूँ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, सो अपने पर्सन का इमेज और नाम अपने दिमाग में रखते हुए इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए, इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सारी नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल दीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं और जब हम उनको रीड करते हैं तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। ओके, तो लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस आप लिखेंगे नहीं तो पूरी कैसे होंगी। तो जो भी आपकी विशेज हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, जो भी आपकी विशेज हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ओके, कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। फाइन, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आप चाहे तो आप भी बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेली चैंट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। तो चलिए पहले मैं चेकआउट करूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर के। ओके, सो जहां भी आपको लगे क्लेम करने का, क्लेम कर लीजिएगा। 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा अपने डीटी को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ऑल साइन रीडिंग है, देखते हैं पहले कौन से साइंस निकल के आ रहे हैं। तो ये है, चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर के। तो मैं स्प्रेड स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट कार्ड निकालेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है हैंगमैन का कार्ड। फाइन, पहले कार्ड स्प्रेड ले लेते हैं फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पेंटिकल्स का कार्ड, ये हम चेकआउट कर रहे हैं पहले आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके। जस्टिस का कार्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ वॉन्ड, ऐसे रख लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये अभी कार्ड्स ओपन हुए हैं आपको लेके। फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, ये है आपकी एनर्जीज। फाइन, अब मैं यहाँ पर स्प्रेड ले लेती हूँ थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं, आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज ले लेते हैं क्या आ रही हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, जस्टिस का कार्ड क्यों, ये एक साथ ओपन हो गए इतने सारे। फोर ऑफ कप, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, स्टार का कार्ड, एम्परर, और देख लेते हैं तीन कार्ड्स और ले लेते हैं। डिवाइन ओरिजिनली प्लीज बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, ओके, तो ये आई है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज, और ये आई है आपके पर्सन के मन में आपकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है। ओके, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कार्ड्स की, ओके, तो यहां पर आया है, आप देख सकते हैं, हैंगमैन का कार्ड।
एंड तक जरूर देखिएगा, ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके साथ, आप अभी जिस सिचुएशन में आपको लटके हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अभी आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें इनके दिमाग में आपको लेकर उल्टे थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें उनको ऐसा लग रहा है कि अभी या तो आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर अभी आप इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, या फिर अभी आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते हो। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस अभी इनके माइंड में आ रही हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे सेपरेट हो चुके हैं, अभी नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं। तो आपको याद तो ज़रूर कर रहे हैं, आपके बारे में थिंकिंग ज़रूर इनके दिमाग में अभी चल रही है, लेकिन अभी चीज़ें इनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़्यादा याद आ रही हैं। ओके, यहाँ पर इनको ये भी समझ में आ रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस आए हों, उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हों। ठीक है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, राइट। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें उनको अभी याद आती हुई दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से लोग इकट्ठे हुए थे, आप दोनों में झगड़े हुए थे, या आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी अगर लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्कशंस हुए थे, उल्टी सीधी बातें भी बोली गई थी, या जो भी बोला गया था वो सारा कुछ करेंटली इनको याद आ रहा है। ओके, फिर इनको ये चीज़ लग रही है कि अगर ये सब कुछ हुआ तो इन्होंने अपने लिए सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। ओके, ये भी चीज़ें यहाँ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो साइंस अभी सबसे पहले यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड आया था तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आई थी, जस्टिस का कार्ड आया है तो लीब्रा आई है, तुला राशि निकल करके आई है। तो इन्हें अभी ये चीज़ें याद आ रही हैं कि आप अपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी ऑनेस्ट थे, आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा थी इस रिलेशनशिप के अंदर। ऑल दो नेगेटिव थाट्स भी काफ़ी इनको आ रहे हैं, वो क्यों, ये क्योंकि सेकेंड कार्ड मैंने बताया कि यहाँ जो भी लोग इन झगड़ों को लेकर इन्वॉल्व थे, तो उनको वही लग रहा है कि अगर आप दोनों उस चीज़ को सॉल्व करते, किसी बाहर वाले का इंटरफेरेंस अगर नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप टिक जाता, रुक जाता, या जो भी सिचुएशन चेंज हो सकती थी, कुछ हो पाती, लेकिन और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं, बिगड़ गई, और वो इस रिलेशनशिप से निकल गए, राइट। अभी वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ऑनेस्टी है, राइट, आपने जो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं, या जो भी कुछ आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया था, वो अभी काफ़ी कुछ इनको याद आ रहा है। ठीक है, और रात भर, कल रात को ये काफ़ी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग थॉट्स की, तो कहीं ना कहीं रात की यादें, रात की बातें, रात के सपने भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो रात को काफ़ी कुछ चीज़ें इनको याद आ रही हैं कि काफ़ी फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स थे, आउटसाइडर्स इन्वॉल्व थे आप दोनों के झगड़ों के बीच में, तो अगर वो नहीं होते, ठीक है, इन्होंने अपनी बातों को दबा के रखा, इन्होंने अपनी बातें ज़्यादा बोली नहीं, है ना, तो या तो आप दोनों के बीच में इस तरह का कुछ रिलेशनशिप रहा है, या कुछ इस तरीके के झगड़े हुए हैं जहाँ पर गैदरिंग्स हुई हैं। ठीक है, लोगों को बुलाया गया है, या तो आपने अपने घर वालों को, पेरेंट्स को बुलाया होगा, या इन्होंने, जैसे भी हुआ है, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें अभी इनको समझ में आ रही है, या याद आ रही है, इनको रात में याद आ रही थी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, वो सोच रहे थे कि चीज़ें समेट सकती थी, या चीज़ें वहाँ पर रुक सकती थी, यहाँ पर ठीक हो सकती थी, अगर बाहर वाले लोग, आउटसाइडर्स अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते तो। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो बाहर वाले इन्वॉल्व हुए हैं, उस वजह से आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे, और फिर ये वॉकआउट कर गए हैं और आपसे बहुत दूर चले गए। ठीक है, आपसे काफ़ी दूर चले गए, आपके रिलेशनशिप से बाहर निकल गए, और अभी ये सारी बातें इनको याद आ रही हैं, इनके थॉट्स में ये सब कुछ आ रहा है कि जो भी डिस्टेंस आप दोनों में आया है, या जो भी दूरियां आप दोनों में आई हैं, वो रोकी जा सकती थी, है ना, वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकती थी, कुछ इस तरह की। आप देखिए, बहुत सारे लोग कार्ड रीडिंग को देखते हैं, तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, तो आप अपनी सिचुएशन और अपने जेंडर के हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा, जेंडर वाइज नहीं होती है। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी दो नंबर का कार्ड आया है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें अभी कन्फ्यूज दिख रहे हैं इनको, ये कहीं ना कहीं चीज़ें लग रही हैं कि अगर ये कन्फ्यूजन नहीं होता, अगर ये बातें ख़राब नहीं होती, अगर दो लोगों के अलावा और कोई नहीं होता, तो शायद चीज़ें बेटर हो जाती। ठीक है, और ये सब झगड़ों के चलते हुए ही ये उस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए
हैं। अब वो रीज़न कोई भी हो सकता है इनकी इनके साथ कोई मतलब इनके साथ में कोई काम करता हो या करती हो, या फिर इनके कोई एक्स हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई इस तरह के कोई इस तरह का इंसान है जिनको ये जानते हैं और आपको छोड़ करके ये उसके पास चले गए हैं, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी चीज़ें याद करते हुए यहाँ पर रात को मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इनके इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, ठीक है, ये सब याद करके आपको ही फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कप्स का कार्ड आया है, ओके। तो बहुत ज़्यादा भी इनको आपकी याद आ रही है, रात को काफ़ी चीज़ें आपके बारे में ये सोच रहे थे, इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि चीज़ें वो रात भर बैठ के उनको वो आपकी बातों को याद कर रहे थे एंड पॉजिटिव ही याद कर रहे थे, ठीक है। कुछ नेगेटिव थाट्स, कई चीज़ों को लेके नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे, कई चीज़ों को लेके पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे थे, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स जो आ रहे थे वो आपके लिए जो भी आपका जो भी प्यार था, आपका जो भी इमोशन था, आपके जो भी एफर्ट्स थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उनके इमोशंस निकल के आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा वो याद करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में किसी के पास एक चाइल्ड हो, किसी के पास दो हो, किसी के पास तीन भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी उनकी जो एनर्जीज हैं वो पास्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा रात को गई हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट की सिचुएशंस, प्रेजेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए भी वो आपको पास्ट में बहुत पास्ट की सारी बातें वो याद कर, भले किसी से बोल ना रहे हों, भले किसी से कह ना रहे हों, ठीक है, भले ही सामने से बहुत खुश दिखाते हों या बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखा रहे हों, लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरीके की ज़रूर हुई है अभी प्रेजेंट में, वो हम यहाँ चेकआउट करेंगे। कुछ तरह की सिचुएशन ज़रूर यहाँ पर हुई है कि उनको आपकी अचानक से याद आने लगी है, बहुत ज़्यादा आपको फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी टाइम बिताया था वो अगर और बढ़ सकता, या जो भी आप दोनों ने मिलके जो सपने देखे थे, या आप लोगों ने दोनों ने मिलके जो सोचा था अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो वो चीज़ें अधूरी रह गई, ठीक है। मैनिपुलेशंस के चलते हो सकता है आपके कान किसी ने भरे हों, हो सकता है इनके कान किसी ने भरे हों, हो सकता है आप किसी के कहने पर आ गए हो सकता है ये किसी के कहने पर आ गए हो, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, और वो बात धीरे बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप लोग एक सेपरेशन जोन पर आ गए, आप लोग अलग होने वाले जोन पर आ गए हो, ठीक है। एंड उसके बाद चीज़ें फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल में हो कोई ये थर्ड पार्टी, ये भी हो सकता है कि इनके ऑफिस के कलीग में हो या कुछ भी हो ये थर्ड पार्टी, क्योंकि ये इजीली अप्रोचेबल थी, क्योंकि आपसे झगड़ा होने के बाद, आपसे बाहर निकलने के बाद या सिचुएशन से निकलने के बाद ये सीधा उसके पास ही गए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अभी पास्ट एनर्जीज को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने वो पल, अपने वो दिन, आपके साथ बिताए हुए टाइम, सब कुछ उनको याद आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उनको अब ये याद आ रहा है कि कैसे किसी बात पर आप उनके हाथ से निकल गए, ठीक है। तो या किसी भी नादानी की वजह से, या किसी भी केयरलेसनेस की वजह से, या फिर किसी भी इमेच्योर डिसीजन की वजह से, या कुछ गलती इन्होंने की होगी, कुछ गलती हो सकता है आपने की होगी, जिसके चलते ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया और आप इनकी लाइफ से निकल गए, चले गए, और या फिर ये आपकी लाइफ से निकल गए और चले गए, ठीक है। तो ये सिचुएशंस इस तरीके से अभी आपको बहुत ज़्यादा रात में, लेट नाइट एनर्जीज भी यही आ रही हैं, मॉर्निंग थॉट्स भी यही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये डे टाइम का है, ठीक है। तो ये दिन में आपको सुबह मॉर्निंग में भी आपको बहुत ज़्यादा उगते सूरज के साथ, ठीक है, क्योंकि रात भर आपको ही देखा है उन्होंने, हो सकता है आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखी हो, आपको स्टॉक किया हो, एंड कहीं ना कहीं देखो रात में आपको तो देखा है, राइट। अब वो कहीं भी देखा हो, फेसबुक पे देखा हो, सोशल मीडिया भी आपके फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हो, ठीक है, कुछ तो आपकी एनर्जीज उनको रात भर याद आई हैं, तो रात में आपको फोटोग्राफ्स देख रहे थे, आपकी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे, और सुबह उठकर भी उनको ये एहसास हुआ क्योंकि आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है, उनके हाथ से आप निकल गए और आपके हाथ से वो निकल गए। तो बहुत एनर्जीज इनकी पॉजिटिव आ रही हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा रात को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कहीं ना कहीं पैसों के चलते या अपनी ब्यूटी के चलते आपके ये पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ओके। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं मुझे कि आप के साथ, या तो ये मतलब या तो आपके साथ कोई कंफर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर आपके साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे,
ठीक है, या फिर कोई चीज़ें पैसों को लेके कोई डिस्कशंस होते होंगे, है ना, फाइनेंशियली कोई डिस्कशंस होते होंगे, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है या उनकी तरफ से, तो खिच-खिच के चलते वो आपकी लाइफ से निकल तो गए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं कहीं ना कहीं या तो इसकी ब्यूटी की वजह से गए हैं, ठीक है, या फिर इसके फाइनेंसेस इसके पैसों के चलते यहाँ पर गए हैं, तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि इसने अपने अपने सारे पैंतरे इसने यूज़ करे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन इसकी लाइफ में चले गए हैं आपको छोड़ करके। एंड ये इनको अभी मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बिल्कुल एक मतलब अपने बहुत ज़्यादा इसने प्यार दिया होगा या फिर इसने बहुत कंफर्ट फील कराया होगा या फिर जो भी ये कर सकती थी थर्ड पार्टी इसने आपके पर्सन के लिए किया होगा, ठीक है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपके पर्सन इसकी लाइफ में चले तो गए हैं लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो अभी आपके पर्सन देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो यहाँ पर भी, क्योंकि देखो ये आपके लिए उनकी एनर्जीज़ हैं, ये थर्ड पार्टी के लिए उनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जीज़ ही हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि मॉर्निंग में वो उनके बारे में आपके बारे में क्या सोच रहे थे और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर सुबह ये आपके लिए भी जस्टिस का कार्ड आया था तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी यही बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे थे कि गलती तो नहीं हो गई, कि गलत तो नहीं किया इन्होंने आपके साथ, एंड ये इसके बारे में भी यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्टिस का कार्ड आया, क्योंकि देखो इन जब ये आपके पास थे तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, अब ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो आपके बारे में याद करते हुए दिखाई, तो इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि इन्होंने आप दोनों के साथ गलत किया हो, ठीक है, प्यार वो आपके साथ करते थे लेकिन झगड़ों के चलते ये चले गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो ये अभी अगर देखो आप फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है, राइट, तो ये अभी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पांच नंबर का कार्ड आया है ना यहाँ पर, तो इनकी लाइफ में देखो उदासी बहुत ज़्यादा आ गई है, इनका करेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, इनको इनके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका माइंडसेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये देखो आप ब्लैक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, राइट, कप्स भी गिरे हुए हैं, है ना, तो अभी जो थर्ड पार्टी के कप्स हैं ना वो गिरे हुए हैं, खाली हो चुके हैं, ठीक है, तो जो भी प्यार अफेक्शन अपनापन या जिस वजह ब्यूटी या जिस वजह पैसा जिस वजह से भी इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा ना वो सारे कप्स गिर चुके हैं और खाली हो चुके हैं। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि आपका आप अभी भी आप उनके लिए स्ट्रांग थे, आपके कप्स खड़े हुए हैं, तो आपके इमोशंस इनको लेकर के स्ट्रांग थे, इनका प्यार आपका प्यार इनको लेकर के स्ट्रांग था, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है इसमें इसका अभी जो भी इसने प्यार दिखाया जो भी कुछ दिखाया वो खाली हो चुका है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी इन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना तो ये दिखाई ज़्यादा दे रहे हैं बाहर से खुश, ठीक है, बाहर से खुशी इनकी कुछ अलग है या फिर ये दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि गलती कैसे अचानक से दिखा देंगे, तो इस वजह से जस्टिस का भी कार्ड है और देखो जजमेंट का भी कार्ड है, ठीक है, जस्टिस का भी कार्ड है, जजमेंट का भी कार्ड है, तो क्योंकि देखो डिवाइन अब ये जजमेंट करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, डिवाइन का यहाँ पर जजमेंट आ रहा है क्योंकि हो सकता है इनकी हेल्थ डाउन हो रही हो, इनके फाइनेंसिस, क्योंकि हेल्थ डाउन तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आपके पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, आपके पर्सन बीमार रहने लगे हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ में आ गई है कि उनकी या तो फाइनेंसिस डाउन हो गए हैं, क्योंकि फाइनेंसिस के चलते भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, या तो फाइनेंसिस डाउन हो गए हैं या हेल्थ डाउन हो गई है या इनको कुछ ना कुछ बॉडी इश्यूज ज़रूर आ रहे हैं, फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी सिचुएशंस में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अभी प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर विजिट्स भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए न्याय मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, गलत नहीं करना चाहते, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें उनको ऐसी लग रही कि थर्ड पार्टी में आ तो गए हैं लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है, ख़त्म होती हुई या मूव ऑन करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई हो नई या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है जिसके चलते ये थर्ड पार्टी यहाँ से अलग होती हुई दिखाई दे रही है, जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कोई ना कोई नया पर्सन ज़रूर इनकी लाइफ में आया है, ठीक है, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, एज में बड़े हो सकता है, ठीक है, ये जो भी थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी आ रही है या जो भी सिचुएशन आ रही है, या ये भी हो सकता है कि इसकी इसके फादर हो या इसकी मदर हो,
है ना, जो कि आप उन दोनों के बीच में बहस, जैसे देखो आपके घर, आपके यहाँ पर भी फैमिली सिचुएशंस आई थी, हो सकता है इनकी लाइफ में भी फैमिली सिचुएशंस को लेकर, किसी बड़े को लेकर के कोई बातचीत हो रही हो, या कोई बहस हो रही हो, या कोई डिस्कशंस हो रहे हो, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी इस तरीके की दिखाई दे रही हैं, या फिर कोई इस तरह का इंसान इनकी लाइफ में एंटर हो चुका है कि ये अपना बैलेंस खो बैठे हैं, ये अपने अपनी जो थर्ड पार्टी है ये यहाँ से आपके पर्सन को छोड़कर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से आपके पर्सन जजमेंट की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड इन्होंने सोचा भी नहीं था, मतलब बियॉन्ड इल्यूजन्स इनके काम चल रहे हैं, इनके दिमाग में बातें चल रही हैं जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, वो भी सब इनकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। तो कुछ रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पर आया है, कुछ तो आउटकम मिलने वाला है इनको। एंड क्योंकि देखो हेल्थ इश्यूज़ भी है, सभी कुछ इनकी लाइफ में अभी यहाँ पर चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। इनकी ये लाइफ में अभी सिचुएशन तो खराब चल ही रही है, ओके। तो यहाँ देखो आपकी फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आने का मतलब है कि वॉकआउट कर रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो ये जो आपके आपके जो पर्सन हैं, इनको अभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये अभी बैठ के ज़रूर सोच रहे हैं कि जिन पैसों के चलते ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, या उसकी खूबसूरती के चलते, या जिस भी वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, ये अभी उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ इससे ये निकलना चाहते हैं या थर्ड पार्टी इनके साथ छोड़ना चाहती है, तो कुछ तो ऐसा होने वाला है। तो डिवाइन का हैंड आया है एंड में, ठीक है, जो कि यही बताता है कि डिवाइन का न्याय ज़रूर आ रहा है, कर्मा ज़रूर मिल रहा है आपके पर्सन को, इस थर्ड पार्टी को। तो जो भी कार्मिक सिचुएशंस अभी चल रही हैं, इन लोगों को ये सब झगड़े, ये सब कॉन्फ्लिक्स, ये सब लड़ाइयाँ, डिप्रेशंस, बीमारियाँ, ये सब जो इनकी लाइफ में अभी चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी मांगी हुई विशेज़ हैं, या आपने जो भी मैनिफेस्ट किया होगा, या इनका जो कर्मा है वो इनको मिल रहा है। डिवाइन इनके लिए इनको कर्मा डिसाइड कर रही है और इनको मिल रहा है। ये दोनों आपस में कार्मिक पार्टनर्स हैं, ऑल दो कहीं ना कहीं चीज़ें पास्ट की कार्मिक साइकिल आपकी भी चल रही थी। तो अगर मैं बात करूं तो आपने आपको अभी याद कर रहे हैं और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं यहाँ से, बट अभी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा। अगर ये निकलेंगे भी तो समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ अभी चीज़ें इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। बट कार्मिक साइकिल्स तो ये भुगत रहे हैं दोनों जने। तो ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे, अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो ये रीडिंग औरों तक पहुँचेगी, किसी की हेल्प हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं क्या बता रहे हैं आगे आने वाले कार्ड्स। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।